நமோ ரிஹந்தானம், நமோ சித்தானம், நமோ ஆரியானம், நமோ வஜ்ஜாயணம், நமோ லோயே த்ரிகாலவர்த்தி சவ்வசாகனம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோகடி, மங்களம் குந்தகுந்தாரியோ, ஜெயந்த் தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கல்ய மங்கல்யம், சர்வ கல்யாணகாரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மானம், ஜெயந்தம் ஜெயது சாசனம். ஓம்கார பிந்து சயுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினம், காமதம் மோக்ஷதம் செய்வ ஓம்காராய் நமோ நம. நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யா சகாசதே சிஸ்வபாவாய பாவாய சர்வபாவாந்தர்ச்சிதே. அக்னாந்திமிராந்தானாம் ஜ்ஞானாஜன் சலாகயா சக்ஷுருன்மிலித்தம் யேனம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஆத்மா ஜானம் ஸ்வயம் ஜானம் ஜானாத் அன்யத் கரோதி கிம் பர்பாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோயம் வ்யவஹாரிணம். மங்கள்மய மங்கள்கரன் வீதராக விஜ்ஞான் நமூதா ஹி ஜாதே பயே அரிஹந்தாதி மகான். ஓம் நம சிதேபிய நம சிதேபிய நம சிதேபிய. कुंदकुंद आचार्य भगवान ने भरत क्षेत्र से महाविदे की सहदेह यात्रा की, सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि सुनी और ओम ध्वनि सुनकर श्रुत केवलियों का परिचय करके वापस आकर भरत क्षेत्र में पोनूर हिल के ऊपर वापस आकर इन महान ग्रंथों की रचना की, यानी कि सिमंदर परमात्मा का दिव्य ध्वनि का सार ये जिनागमों में कुंकुन आचार्य भगवान ने भर दिया। और ये नियम सार जी परमागम की टीका पद्म प्रमलधारी देव ने की, जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा तीर्थंकर का द्रव्य था जिन्होंने इस नियमसार परमागम की टीका की। कुनकुन आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान के पास जाकर आकर शास्त्र की रचना की, और पद्म प्रमल धारी देव जो भावी में तीर्थंकर होने वाले हैं उन्होंने इस परमागम की टीका रची। और पूज्य गुरुदेव श्री असंख्य अब्जो वर्ष तक महाविदे में सिमंदर परमात्मा की वाणी सुनते थे। कुंदकुन आचार्य भगवान जब महाविदे गए तब गुरुदेव श्री ने उनका दर्शन किया था। भरत क्षेत्र से सिमंदर परमात्मा के आदेश पर हम सभी जीवों के कल्याण अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र में आए। वो मानो ही कि महाविदे की एक शाखा यहाँ पे चालू कर दी। जो सिमंदर परमात्मा वहाँ महाविदे में फरमाते हैं वही बात भरत क्षेत्र में प्रवाहित हुई। तीर्थंकर भगवान के पास से आए थे, कुंकुन आचार्य भगवान के परमागमो सामने थे, भावी तीर्थादिनाथ पद्म प्रमल धारी देव की टीका थी और खुद भी भावी में तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव श्री ने जब इस नियमसार परमागम का हृदय खोला तो इतना गंभीर हृदय, इतना अद्भुत हृदय खोला कि जो सुनकर जीव को ऐसा लगता है कि क्या इतनी सी बात है क्या। प्रश्न एक खड़ा होता है, जब दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, इसका विधान जब सामने आता है तो ये सुनकर ऐसा लगता बस इतनी सी बात है क्या, इतना सरल है क्या सम्यक दर्शन, फिर अनंत काल बीता क्यों। जब अनंत काल में अनंत बार जिनेंद्र भगवान मिले, उनकी ओम ध्वनि मिली, वो ओम ध्वनि सुनी भी, सुन के अच्छी भी लगी, सुहाई भी, फिर क्या हुआ कि तब काम नहीं हुआ और अब इतनी सरलता से गुरुदेव श्री बताते हैं कि धर्म की पर्याय कैसे होती है। तो बोलता ऐसे ही होती, अन्यथा नहीं होती। तो यदि इतनी सी बात है तो उसमें अनंत काल क्यों लगा। लेकिन ये प्रश्न को कोई जगह नहीं है,
इसलिए जगह नहीं है कि जिस पर्याय के अंदर में जो परिणाम हुए उस समय तत्समय की उस पर्याय की वह योग्यता थी, उस योग्यता के कारण ये बात समझ में नहीं आई और अपनी उस पर्याय की जैसी योग्यता थी उस योग्यता रूप अपने पक्ष को प्रबल करती हुई, व्यवहार के पक्ष को प्रबल करती हुई, निश्चय की बात है, निश्चय की बात है, निश्चय की बात है, निश्चय की बात है, ऐसे करके उनका तिरस्कार करती हुई सुदास मत से वो दूर चला गया। तो ठीक है, वो जो होना था सो हुआ, वो इतिहास है, उसको दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। अपन तो आज ये समझे, गुरुदेव मिले, गुरुदेव की परम उपकारी वाणी मिले, जिस वाणी के अंदर में हम ऐसा कहने में आवे कि जिस ज्ञान के द्वारा चेतता है, चेतना वड़े चेतता है, ऐसा भेद भी जिस शुद्धात्मा के अंदर में नहीं है ऐसा तू है। अब दूसरे की तो बात ही नहीं, जिससे भिन्न है उससे तो भिन्न है ही है। अब जिससे भिन्न पढ़ सकता है उसकी भिन्नता जाने, और जिससे अभिन्नता है उसको अभिन्नता जाने, जो स्वभाव है उसको स्वभाव जाने, और मैं हूँ इतना निर्णय करे, निश्चय करे, तो ये सम्यक दर्शन का मार्ग खुल गया। प्रभु विकल्प के अंदर में, भावनाओं के अंदर में, चिंतन के अंदर में तो जैसा स्वरूप है ऐसा एक बार निर्णय तो करना था। स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता, कठिन हो चुका वो एक अलग बात है, वो पर्याय की योग्यता ऐसी थी, लेकिन आज यदि सही बात सामने आई है और ये बात तुझे यदि गले उतरती है तो निश्चय की बात है, ऐसे करके साइड ट्रैक मत करना प्रभु। महाभाग्य से बात जिनकी योग्यता पक जाती है उनको सुधात्मा की बात सुहाती है, भगवान आत्मा की बात सुहाती है। प्रभु ये मेरी बात है, अपनी बात है, मेरे त्रिकाल ध्रुव स्वभाव की बात है, और ये जब बात गुरुदेव श्री से मिली है तो अपन एक बार प्रयोग करके तो देखे ऐसा स्वरूप है कि नहीं है। आज गुरुदेव ने जो बात की आचार्य भगवान को सामने रखकर अपने अनुभव से, अपने सुधात्मा की अनुभूति से बाहर निकल कर ये बात की है, अपन भी उसका एक बार प्रयोग करके देखें कैसी वस्तु। जैसे आचार्य भगवान ने कहा कि हम कहते हैं उसलिए तुम मत मानना, अनुभव से प्रमाण करना, जैसे गुरुदेव श्री की बात को भी अनुभव से एक बार प्रमाण तो करें कि कैसी है वस्तु व्यवस्था। आज जगत गुरुदेव की महिमा नहीं समझ पा रहा है, उसकी अपन चर्चा नहीं करते, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज जगत नहीं पा रहा ऐसा नहीं, उनकी परिणाम की योग्यता जैसी है वैसा कार्य हो रहा है। चीज को अपने को अस्थि से लेना है, और अपने को जब सुधात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात गुरुदेव श्री हथेली में रखकर बताते हैं तो अपन कितने सौभाग्यशाली है इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुदेव मिले माने आज अपने घर पे कोई तीर्थंकर परमात्मा चल के आ जाए, वो सौभाग्य कैसा होगा। आज महाविदेश से हमारे लिए, आपके लिए गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र में आ गए सामने से चलकर कि प्रभु तेरा काल पक चुका है, सुन सुधात्मा की बात, सुन भगवान आत्मा की बात, सुन परमात्मा तत्व की बात, सुन परम पारिणामिक भाव की बात। ये चार भाव जो है वो अनेरा भाव है, वो भावांतर है, वो परित्याग करने योग्य है। प्रभु तू तो परमात्मा है ना नाथ। तो इस 119वीं गाथा के माध्यम से शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार के प्रकरण में पहले तो शुद्ध निश्चय क्या है वो बताते हैं, फिर प्रायश्चित की बात बाद में बताएंगे। शुद्ध निश्चय माने परिणाम की बात नहीं है, त्रिकाल स्वभाव की बात है। जैसे नियम सार के 38वीं गाथा में शुद्ध भाव अधिकार के अंदर में गुरुदेव श्री हर प्रवचन के शुरुआत में कहते हैं शुद्ध भाव माने त्रिकाली भगवान आत्मा, यहाँ पर्याय की बात नहीं है। उस तरह से शुद्ध निश्चय के अंदर में अपना त्रिकाली परम पारिणामिक भाव, नित्यानंद भाव, नित्य निरावरण भाव कैसा है, परम पारिणामिक भाव कैसा है, वो गुरुदेव श्री ने बताया है। अपन जहाँ से गुरुदेव श्री बताते हैं वहीं से उस संबंध में विचार करें, चिंतन करें, तो गुरुदेव श्री की बात आत्मसात हुए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि एक चैलेंज वाली बात है कि अनादि अनंत काल में किसी को भी अनुभूति होती है तो इसी विधि से होती है, अन्यथा नहीं होती है। द्रव्य के आलंबन से होती है, पर्याय के आलंबन से नहीं होती है,
ये विधान है, सीधा सा विधान है, सरल सा विधान है कि जो पूर्ण है उस पूर्ण के लक्ष्य से शुद्धता प्रकट होती है, शुद्धता वृद्धिगत होती है, पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। लेकिन किसके लक्ष्य से? जो पूर्ण शुद्ध है, जो परमात्मा है, जो परम परिणामिक भाव है, जो अपरिणामी है, जो परिपूर्ण शुद्ध है, जो वर्तमान में विद्यमान है, उसके लक्ष्य से अनुभूति होती है। तो प्रभु तुझे प्रयोजन किससे है? देखिए, आप गुरुदेव श्री सीधा प्रश्न पूछते हैं, अपन देखते हैं गुरुदेव के शब्दों में। प्रश्न संख्या 78 पे दूसरा पैराग्राफ है, धर्म यानि वितरागी दशा, धर्म यानि वितरागी दशा, धर्म यानि वितरागी दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र यह धर्म निर्मल निर्दोष दशा, ये निर्दोष दशा कहाँ से प्रकटेगी? धर्म माने वितरागी दशा, राग रहित, राग के अभाव रूप वितरागी दशा। वितरागी दशा माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ओ धर्म निर्मल, ओ निर्दोष दशा। ये निर्दोष दशा कहाँ से प्रकटेगी, कैसे प्रकटेगी, किस तरह से प्रकटेगी? कहे छे समझाई छे कहीं? क्या संयोग कर्म शरीर में से, देवगुरु शास्त्र में से आएगी? वो प्रश्न पूछते गुरुदेव से, क्या संयोग, संयोग का अभाव हो जाए, अच्छे संयोग का संग हो जाए, अच्छे कर्म हो, शरीर सही हो, पांच इंद्रिय सही तरीके से काम करती हो, वितरागी देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हो, उससे प्रकटेगी वो? कि ये तेरे पुण्य का पाप का परिणाम हुआ उसमें से वो दशा आएगी? प्रश्न है अपन के सामने, विचार करें, संयोग से, कर्म से, देव शास्त्र गुरु से, पाप पुण्य के परिणाम से वो दशा आएगी क्या? उसमें से ये दशा होगी क्या कि यह पुण्य के परिणाम है उसमें से होगी? कि यह वर्तमान ज्ञान दर्शन और वीर्य के उघाड़ जो वर्तता है एक समय का, उसमें से धर्म की दशा आएगी? सोच ले अपन क्या सोचते हैं, अपन क्या मानते हैं, क्या विचारते हैं। संयोग से, कर्म से, शरीर से, देवगुरु शास्त्र से, पुण्य पाप के परिणाम से, पुण्य के परिणाम से, कि वर्तमान प्रकट ज्ञान दर्शन वीर्य की प्रकट पर्याय से धर्म की दशा आएगी? समझाई छे काई? अब कहते हैं भगवान आत्मा ऐसी धर्म की जो पर्याय है, ऐसी तो अनंती अनंती पर्याय का धरनार एक गुण। भगवान आत्मा कैसे कैसा है? तो कि धर्म की जो एक पर्याय है वैसी अनंती अनंती पर्याय को धरनार एक गुण, ऐसे अनंत अनंत गुणों को धरनार आत्मा, अनंत गुणों को धरनार आत्मा एवं एक एक गुण की अनंती पर्याय से भी ये गुण में अनंत सामर्थ्य रहा है। एक एक गुण के अनंत पर्याय और वो अनंत पर्याय में जितना सामर्थ्य उससे अधिक एक एक गुण में सामर्थ्य रहा है, ऐसा अनंत गुण का सामर्थ्य का ध्रुव रूप एक आत्म तत्व। इनके आलंबन से सम्यक और धर्म प्रकट होता है, कोई विधान नहीं है दूसरा। ऐसे अनंत गुण के सामर्थ्य का ध्रुव रूप एक आत्म तत्व, अनंत गुण रूप सामर्थ्य रूप एक आत्म तत्व, अनंत गुण का अनंत रूप नहीं, अनंत गुण का एक रूप आत्म तत्व, उनके आलंबन से सम्यक एवं धर्म प्रकट होता है। इसके बिना तीन काल तीन लोक में किसी के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता।
तीन काल तीन लोक में, इसके बिना अन्य किसी के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता। देखिए तो तीनों काल वाली बात है, तीनों लोक वाली बात है, किस तरह से धर्म प्रकट होता है, आत्मा के आश्रय से सम्यक प्रकट होता है, धर्म प्रकट होता है, इसके अलावा अन्यथा नहीं होता। अब ऐसी बात जब प्रभु स्पष्ट हुई है गुरुदेव के माध्यम से, तो यह मत कहना निश्चय की बात है, प्रभु ये तेरी बात है, विधान है विधि का, ये सम्यक दर्शन का विधान है, सम्यक दर्शन प्राप्त किस तरह से हो, धर्म किस तरह से प्रकट हो, इसकी विधि है प्रभु ये, अन्य कोई रीत से नहीं होता तीन काल तीन लोक में, ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। इसके बिना तीन काल तीन लोक में किसी के आश्रय से, कोई ना आश्रय, कोई ना आश्रय, धर्म प्रकट तो नहीं, किसी के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता, एक के आश्रय से धर्म प्रकट होता, किसके, अनंत गुणात्मक एक आत्म तत्व के आलंबन से धर्म प्रकट होता है, और किसी के आलंबन से धर्म प्रकट नहीं होता। प्रभु ये वस्तु व्यवस्था है, सम्यक दर्शन का उपाय एकमात्र यह है, अन्यथा कोई उपाय से और किसी के आलंबन से किसी के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रभु अनंत काल से बात नहीं मानी तो अंतर कुछ नहीं पड़ा, आज मान लेगा तो ये वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा, धर्म प्रकट हो जाएगा। कितनी सरल सीधी सादी सुगम बात है, सहज बात है। अब जीव को लगता है कि इतनी सरल बात है तो फिर अनंत काल क्यों गया। प्रभु तूने बुद्धि को, धारणा को, संयम को ज्ञान माना, लेकिन प्रभु ये सारा का सारा आत्मा से भिन्न, किसके साथ अभेद है, इस बात का तूने विश्व पुद्गल के साथ अभेद है, तो वे बोलते तेरा मुंह कांपता है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प, ऐसा स्वयं सम, ऐसी धारणा पुद्गल के साथ अभेद है। ये सोगानी जी साहब का वचन है, प्रभु बेंसरी ने भी, पूज्य बेंसरी ने भी सोगानी जी के बात कड़क कहे छे, पण साची कहे छे, वस्तुनु स्वरूप एवू छे। उसको किसकी पड़ी थी ना, जिनको अपने स्वभाव में रमना है उसको जगत सुने न सुने, माने न माने, उससे उसको क्या अंतर पड़ता है। अपने को तो अपना स्वाध्याय करना है, बस वो स्वाध्याय को मक्कमता से करना, जगत को अच्छा लगे बुरा लगे उससे अपने को क्या लेना क्या देना, वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि नहीं है, इस बात के साथ में देवगुरु शास्त्र की यह बात है कि नहीं है, गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि नहीं है, बस इतनी अपना कॉन्शियस इतना क्लियर होना चाहिए। और आत्मिक आनंद जो है, स्वाभाविक आनंद जो है वो आत्मा के साथ अभेद है, स्वाभाविक ज्ञान जो है वो आत्मा के साथ अभेद है। तूने इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान माना प्रभु, वो तो पुद्गल के साथ अभेद है। उसलिए आज गुरुदेव ने कहा, जितने भेद करने लायक है उसको प्रज्ञा द्वारा भेद कर लेना, और जो अभेद है उसको अभेद जानकर वो शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं ऐसा निर्णय कर लेना। अनंत गुणों से अभेद है तो उसको अभेद जानना, और रागादि भावों से भिन्न रूप है, एक समय की पर्याय से भिन्न रूप है तो भिन्न जानना, उसका भेद कर लेना। समझाई श्यामा काई, आहा भारे बात भाई।
सभी जीव को ये बात लगती है कि बहुत भारी बात है, बहुत कठिन बात है, या तो इतनी सरल हो सकती है, उसका विश्वास नहीं होता। लेकिन देखिए, स्वभाव कभी भी कठिन नहीं हो सकता, और कठिन हो उसको स्वभाव नहीं कहा जा सकता। जगत के अनंत पदार्थ, एक पदार्थ नहीं, अनंत पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ते हैं और उसको अपन मान भी लेते हैं। लेकिन मैं परम परिणामिक स्वभावी, तो ये बात बहुत कठिन है, क्योंकि अपनापन माना है परिणाम में, रागादि भाव में अपना अस्तित्व वहीं पे माना है, अपनी जहां पे अस्थि है वहां पर अस्तित्व माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, उसलिए कठिन लगता है। अब दिखा दो जगत के कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव से अलग हो, कोई भी पदार्थ, बर्फ की शीतलता, अग्नि की उष्णता, नींबू की खटास, नमक की खारास, मिर्च की तिखास, शक्कर की मिठास, अब कौन सा पदार्थ अपने स्वभाव के बिना होता है? पर यदि शक्कर को मिठास बने रहना कठिन हो, बर्फ को शीतल बने रहना कठिन हो, तो आत्मा को अपने स्वभाव बने रहना कठिन हो सकता है। वो पदार्थ को तो नहीं है कठिनता कोई भी, मेरे को अपने स्वभाव रूप रहने में कठिनता, ये कैसे हो सकता है प्रभु? तू स्वभाव से स्वभाव को नहीं देखता, पर भाव से स्वभाव को देखता है। तो तुझे साकी तीखा लगेगा, दाल खारी लगेगी, नमक खारा और मिर्च तीखा ऐसा नहीं लगेगा। तू विभाव से स्वभाव को, परभाव से स्वभाव को, परद्रव्य से स्वद्रव्य को देखने का कोई विधान नहीं है, उसमें भ्रांति ही होगी। साक तीखा ये भ्रांति ही है, उस तरह से परिणाम के अंदर में फेरफार करने का अभिप्राय क्या है प्रभु? कर सकता है क्या? फिर परिणाम के सटकारक का क्या होगा? उसके सत्यपने का क्या होगा? उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? उनके अहेतुकपने का क्या होगा? और तू त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व, अपरिणामी तत्व, परम परिणामिक भाव तत्व, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु, वो अपने त्रिकाल स्वभाव से अभिन्न है, एक रूप है, अभेद है, स्वाभाविक। देखिए क्या कहते हैं, यह भावना से, कौन सी भावना से? जिस त्रिकाली ध्रुव रूप एक आत्म तत्व, उसके आलंबन से सम्यक और धर्म जो प्रकट होता है, इस भावना से औदयिक, औपशमिक, सायिक एवं सायोपशमिक, यह चार भावांतरों यानी जो परम स्वभाव भाव ध्रुव भाव है, वह भाव, भावांतरों का अर्थ कर रहे हैं, जो परम स्वभाव भाव ध्रुव भाव, वह भाव, और भावांतरों यानी ये भाव से अनेरा भाव। एक तरफ तो अपना त्रिकाल भाव, कौन सा भाव? परम स्वभाव भाव ध्रुव भाव, यह भाव, और भावांतरों माने उस भाव से, माने ये ध्रुव भाव से, त्रिकाली भाव से, परम पारिणामिक भाव से, ज्ञायक भाव से, चैतन्य भाव से, नित्य निरावरण भाव से, अनेरा भाव, भावना पण नहीं हो, भावना पण चार भाव में जाए छे। जिस भाव में सम्यक दर्शन हुआ, धर्म प्रकट हुआ, वह भावना, वो भी भाव नहीं, वो भी पर्याय में जाती है, चार भाव में जाती है वो पर्याय, चाहे उपशम की हो, चाहे सोपशम की हो, चाहे सायिक की हो, ये भी चार भाव में जाती है। भावांतर शब्द पड़ा है ना, भाव परम स्वभाव ध्रुव, ध्रुव नित्यानंद प्रभु भाव, उनसे अनेरा भाव, ये अंतर है ना।
भाव परम स्वभाव ध्रुव, किसको भाव कहते हैं यहाँ पर, परम स्वभाव जो ध्रुव भाव जो है, ध्रुव भाव जो है, ध्रुव नित्यानंद प्रभु जो है उसको भाव कहते हैं, परम पारिणामिक भाव कहते हैं, नित्य प्रभु को भाव कहते हैं। उनसे अनेरा भाव, उनसे भिन्न भाव, ये अंतर है ना, भावांतर माने अनेरा भाव, वह भाव त्रिकाल स्वभाव, उनसे अनेरा भाव चार है, त्रिकाल भाव से अनेरा भाव सो चार है, पुण्य पाप का भाव, उपसम समकित रूप भाव, उपसम चारित्र रूप भाव, सायिक समकित रूप भाव के एक सहयोग समिक दर्शन ज्ञान की अवस्था रूप भाव, ये चार भावों को अभाव, यह भाव आश्रय करने से, ये भाव भावांतरों की पहली भावना से, ये भावना जो उत्पन्न हुई भाव, यह भाव अनेरा चार भाव उनके परिहार करने में ये भाव समर्थ है। शांति से अपने शब्द शब्द को देखें, गुरुदेव का हृदय समझ में आएगा क्या कहते हैं। एक तो परम पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, स्वभाव भाव, अपना भाव, मैं स्वयं, वो एक तरफ, दूसरी तरफ कौन सा, उनसे अनेरा भाव। अनेरा भाव कितने हैं, मैं एक भाव, स्वभाव भाव, अनेरा भाव कितने हैं, तो गुरुदेव कहते हैं चार है। अब कौन से चार भाव, माने जो पांच भाव जो है, उदय, उपसम, स्वयंसम, सायिक और परम पारिणामिक, इसमें जो चार भाव जो है वो पर्याय रूप है, और परम पारिणामिक भाव है द्रव्य रूप, ध्रुव भाव त्रिकाल रूप, अपरिणामी भाव। तो इसमें जो चार भाव जो है उसमें कौन से भाव, पुण्य पाप का भाव माने उदयिक भाव, उपसम समकित रूप भाव, उपसम चारित्र रूप भाव या उपसमिक भाव, सायिक समकित रूप भाव और सैव समिक दर्शन ज्ञान की अवस्था रूप भाव, माने उदय, उपसम, सैवसम, सायिक, ये चार भाव, ये चार भावों का ये भाव, एक तरफ परम पारिणामिक भाव और ये चार भाव रूप भाव। अब अपना जो भाव है उसका आश्रय करने से ये भाव, अपने स्वभाव का आश्रय करने से जो भाव हुआ, जिसको समकित कहते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, वो भावांतरों की पहली भावना से भावना जो उत्पन्न थी भाव, भावांतरों की भावना से ये भावना जो उत्पन्न हुई, भावांतरों की भावना से यानी परम पारिणामिक भावों की भावना से, चार भाव को भावांतर समझकर, अनेरा भाव समझकर जो परिणाम उत्पन्न हुए, जो भाव उत्पन्न हुए, ये भाव से अनेरा ये भाव से अनेरा चार भाव, जो भावना धर्मी के लक्ष्य से परम पारिणामिक भाव से जो भाव उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, चार भाव को अनेरा भाव जानकर, चार भाव को अपने स्वभाव से अभाव स्वभाव रूप जानकर, मेरे परम पारिणामिक भाव में चार भाव का अभाव स्वभाव है मेरा, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, जो दृष्टि परम पारिणामिक भाव के ऊपर हुई, उससे जो प्रकटा भाव, धर्म का भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव, ये भाव से अनेरा चार भाव। देखिए ये भी भाव की बात है, जो भाव प्रकट हुआ उसकी बात है, प्रकट हुआ सो भाव, उससे अनेरा चार भाव, वो परिहार करने में ये भाव समर्थ है, क्योंकि जैसी स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई तो ज्ञानी हुआ, धर्मी हुआ। अब जो धर्मी होते हुए जो भाव उत्पन्न हुआ, वो चार भाव आलंबन लेने योग्य नहीं है, आश्रय लेने योग्य नहीं है, परिहार करने योग्य है, ऐसा ये भाव जानता है, ऐसा इस भाव, ऐसा मानने में आसन भव्य जीव समर्थ है। समझाणू कहीं कहो मांगीलाल जी, पेला राड नाखी जाए छे, अरे आवो भगवान नो मार्ग हसे, दुनिया की राड फट जाती है, ऐसा भगवान का मार्ग, चार भाव से अनेरा भाव, ये चार भाव भावांतर भाव, उदय, उपसम, सोपसम, सायिक, सायिक समकित, केवल ज्ञान, ये अनेरा भाव अपने भाव से,
वो त्यागने योग्य भाव, छोड़ने योग्य भाव, आलंबन नहीं लेने योग्य भाव, प्रभु ये निर्णय करने में तो ताकत चाहिए। ये तो सिंहण का दूध है, कहीं पे भी रह जाए ऐसा नहीं हो सकता। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए और उसको सुनकर समझकर अंतरंग में उतारने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। उसको अनंत पुरुषार्थ कहो तो अनंत पुरुषार्थ, और सही में ये बात गले उतर जाए सोसर भी सड़सड़ाट, तो इसके जितना सरल कुछ नहीं है। सही में इसके जितना सरल कुछ नहीं है। मैं बहुत दफे कहता हूं कि एक बार गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा, प्रभु किसी भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो, किसी भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो तो अनुभूति के पश्चात जब विकल्प में आता है तो पहला विकल्प क्या आता है? तो गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि उसको पहला विकल्प यह आता है कि आत्मानी अनुभूति आटली सरल छे तो अनंत काल संसार में गयो केवी रीते। स्वभाव सरल ही होता है, स्वभाव कठिन नहीं हो सकता। अब परम पारिणामिक भाव मैं हूं ऐसा मानना यदि आप कठिन कहते हो तो हम इसको कैसे मान लें? अपना स्वभाव है ना, स्वभाव कैसे कठिन हो? मैं स्वयं हूं ना, मैं स्वयं हूं और स्वयं स्वयं को कठिन, ऐसा नहीं हो सकता। उसलिए कहते क्या कहते हैं, आओ भगवान नो मार्ग से, भगवान वितराग ऐसा कहते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि वितराग क्या कहते हैं? जम्मू भाई नहीं सुना ना, तुम्हें तो वहां का सेठिया कहवा गांव का बापू, आ मार्गज को वितराग परमेश्वर नो अपूर्व मार्ग, इन्हने काने पड़ियो नथी, कान पे पड़ा उसको कहते हैं जो इस बात को सुनकर मान ले इस बात को, उसको कान पे पड़ा कहने में आता है, और सुनकर समझकर ऐसा विश्वास कर ले तब सुना कहने में आता है, बाकी सुना कहने में नहीं आता, कर्णेंद्रिय पे आया और चला गया। कहते हैं कि यह भगवान आत्मा, एक पैराग्राफ खत्म हुआ दूसरा पैराग्राफ चालू हुआ, शुरू हो गई बात भगवान आत्मा से। कहते हैं कि यह भगवान आत्मा जिसमें अनंता अनंता परमात्मा की दशाओं, सिद्ध की दशाओं, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आनंद आदि जिन स्वभाव में परिपूर्ण ध्रुव शाश्वत एक रूपे रहेली अनंत शक्ति का पूरा तत्व भगवान, ऐसा जो आत्मा उन्हें यहाँ आत्मा कहने में आता है। भगवान आत्मा जिसमें अनंत अनंत परमात्मा की दशाएं, सिद्ध की दशाएं, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आनंद आदि जिनके स्वभाव में परिपूर्ण ध्रुव शाश्वत एक रूपे रहेली अनंती शक्ति नु आखू तत्व भगवान, एवो जे आत्मा इन्हें अही आत्मा कहवामां आवे छे। इस आत्मा की अंतर में एकाग्र थता, इस आत्मा की अंतर में एकाग्र होते जो दशा धर्म की सम्यक दर्शन आदि की थाय, उस भाव को ये पांचमो जे आ भाव जे छे पंचम भाव, इन्हें आश्रय प्रकटेलो भाव भावांतर एटले पंचम भाव थी अनेरा चार भाव एना आश्रय करीने छोड़े छे, माटे चार ने छोड़वामां ते भाव समर्थ छे। क्या कहते हैं, अंतर की आत्मा की अंतर में एकाग्र होते, माने एक टर्म्स है, हर चीज का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता ना। तो यदि आप मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवेश कर सकते हो उसके एक टर्म्स एंड कंडीशन है। आप पंच परमेष्ठी के साथ एग्रीमेंट करते हो तो पंच परमेष्ठी का ज्ञानियों का एग्रीमेंट बहुत क्लियर कट है कि हम जिस तरह से आत्मा की अनुभूति कर पाए उसी विधि से आप कर पाओगे, ये हमारी टर्म्स है और टर्म्स आपको एक्सेप्टेड है, आप एग्रीमेंट सही कर सकते हो, इस मार्ग पे आप चल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, कौन सा उपाय? आत्मा की अंतर में एकाग्र होते जो दशा धर्म की सम्यक दर्शन आदि की होती है,
वो भाव आत्मा में एकाग्र होते, जो दशा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की धर्म की प्रकट होती है, वह भाव, ये जो पंचम जो भाव जो है, पंचम भाव, उनके आश्रय से प्रकट हुआ भाव, भावांतर यानी पंचम भाव से अनेरा चार भाव, परम पारणामिक भाव से भिन्न चार भाव, उनका आश्रय छोड़ते हैं। इसलिए चार को छोड़ने में वह भाव समर्थ है। ये भाव कब प्रकट हुआ? जब चार भाव को अनेरा जाना, परम पारिणामिक भाव मैं हूं ऐसा माना, तो ये भाव प्रकट हुआ सम्यक दर्शन का। कब प्रकट हुआ? चार भाव को अनेरा जानकर, पंचम भाव को मैं हूं ऐसा जानकर, ऐसा मानकर जब स्वभाव की दृष्टि की, तो ये भाव प्रकट हुआ। ये भाव चार भाव अनेरा भाव होने से उसको छोड़ने में समर्थ है। सम्यक दर्शन कहता है कि सम्यक दर्शन भाव छोड़ने योग्य है। परम पारिणामिक भाव ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य है माने मैं हूं, बाकी चार भाव छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। भावांतर है, अनेरा भाव है, मेरे भाव से भिन्न भाव है। मैं अपरिणामी भाव, परिणमते भाव, मेरे भाव से वो भाव भिन्न है। चार भाव चाहे एक साइक का हो चाहे कोई भी हो, परिणमता भाव है, पलटता भाव है, बदलता भाव है, उत्पाद व्यय वाला भाव है, और मैं ध्रुव भाव हूँ, तो मेरे भाव से वो भाव अनेरे भाव है, भिन्न भाव है। ऐसा भाव पंचम भाव सो मैं हूँ, तो हुआ धर्म की पर्याय। धर्म की पर्याय हुई कब? जब उसने अपने आप को चार भाव से अनेरा जाना और पंचम भाव मैं हूँ ऐसा माना, तब वो भाव प्रकट हुआ सम्यक दर्शन का। धर्म का भाव तब प्रकट हुआ, वो धर्म का भाव ये जानता है कि चार भाव जो है वो छोड़ने योग्य है। इसलिए चार भाव को वह भाव समर्थ है छोड़ने में। क्योंकि क्यों वो भाव छोड़ने में समर्थ है? कि उसने अपने आप को भाव रूप नहीं माना, परिणमन रूप नहीं माना, चार भाव रूप नहीं माना, औदयिक भाव का अभाव करना ऐसा नहीं माना, उपसम सहोपसम साहिक को प्रकट करना ऐसा नहीं माना, लेकिन मैं परम पारिणामिक त्रिकाल भाव मात्र मैं हूँ, परम पारिणामिक भाव मात्र मैं हूँ, ध्रुव भाव मात्र मैं हूँ, नित्य निरावरण भाव मैं हूँ, एक स्वभाव भाव मात्र मैं हूँ, पंचम भाव सो मैं हूँ, ऐसा माना। वो भाव ने अपने को परिणामन रूप नहीं माना, उसने अपने को अपरिणामी माना, तब वो भाव प्रकट हुआ। अब वो भाव चार भाव जो अनेरा भाव है उसको छोड़ने में समर्थ है, क्योंकि उसने अपने आप को पारिणामिक भाव रूप माना ना, परम पारिणामिक भाव रूप माना, पंचम भाव रूप माना, तब वो भाव प्रकट हुआ। उसके बिना नहीं होता, उसके बिना कोई मार्ग नहीं है अनुभूति का, सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन छोड़ने योग्य है, उपशम छोड़ने योग्य है तो इतना कड़ा नहीं लगता, लेकिन सम्यक दर्शन छोड़ने योग्य है, केवल ज्ञान छोड़ने योग्य है। अरे प्रभु परिणाम है ना नाथ, उत्पाद व्यय वाले परिणाम भले ही शुद्ध हो, लेकिन मैं शुद्धता का पिंड हूं कि नहीं हूं, मैं शुद्धता की मूर्ति हूं कि नहीं हूं, वो भी पूर्ण शुद्ध हूं कि नहीं हूं। अरे ऐसा पूर्ण शुद्ध जिस पूर्ण शुद्ध के लक्ष्य से अनंत 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 पूर्णता निकलती जाए, फिर भी मेरा एक कण कम न हो, एक अंश कम न हो, ऐसा पूर्ण शुद्ध भगवान मैं हूं कि नहीं हूं। तो उसके लक्ष्य से जो शुद्धता प्रकट हुई वो भाव छोड़ने योग्य है। माने जानने योग्य तो है लेकिन आदर करने योग्य नहीं है। ज्ञान में तो आता है लेकिन आदर करने योग्य नहीं है, सत्कार करने योग्य नहीं है, यानी आलंबन करने योग्य नहीं, यानी लक्ष्य करने योग्य नहीं है, यानी आधार लेने योग्य नहीं है, यानी कि त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। प्रभु ये निश्चय की बात नहीं है, प्रभु ये स्वभाव की बात है, कोई अपेक्षा की बात नहीं, कोई नयो की बात नहीं, कोई विवेकसाओं की बात नहीं, कोई अपेक्षा की बात नहीं, वस्तु व्यवस्था की बात है प्रभु। नाथ तारा बहु समुद्र ना किनारा एवा छे त्यारे आवा गुरु तत्व। ज्ञानीओ तो अनेक मळे जीवन नी अंदर मां,
પણ ગુરુ તત્વ તો ગુરુ તત્વ જ હોય છે, એ ગુરુદેવ શ્રી ગુરુ તત્વ થે ઇસ યુગ કે મહાગુરુ તત્વ. કિસકો કિસી જ્ઞાનીઓ કા ઉપકારો, કિસી કિસી જ્ઞાનીઓ કા ઉપકારો, લેકિન જ્ઞાનીઓ કા ભી જો ગુરુ થે ઇસ યુગ મેં જો ભી જ્ઞાની હુએ ઉનકે ભી ગુરુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી. એસા ગુરુ તત્વ થા જિનકી મહિમા જિનકી ગુણગાથા ગાઈ ગા નહીં જા સકતી. સોગાનીજી સાહેબ કહે કે ગુરુદેવ કે બિના એસા કોઈ દિન નહીં બીતતા હો કે સોનગઢ કી યાદ આતી ન હો ઓર આંખ સે ગરમ આંસુ નિકલતે ન હો. સૌભાગ્યશાલી હૈ વો જીવ જો સોનગઢ મેં રહેતે હૈ ઉસ ધરા પે રહેતે ઓર અબ યહાં પે આકર ઉસકે કણ કણ કે લિયે તરસના પડતા હૈ. આત્માર્થીઓ કી સ્થિતિ હોની ચાહીએ. યહાં પે સોનગઢ મેં રહેના મને ક્યા, મહાવિદ્ય મેં રહેના, મહાવિદ્ય મેં રહેના મને ક્યા. સિમંદર પરમાત્મા કી વાણી સુબહ દુપહર શામ તીન તીન સમય જિસકો સુનને કો મિલે ઉસસે સૌભાગ્યશાલી વિશ્વ મેં કોઈ હો નહીં સકતા. પ્રભુ આ તારા હિતની વાત છે, તારા સ્વભાવની વાત છે. પ્રભુ તારો ભવ સમુદ્રનો કિનારો નજીક આવી ગયો છે ત્યારે આ વાત તને આ કાને પડી છે. એ ગુરુદેવ જો મિલે હે પરમ પરમ સૌભાગ્ય કી બાત હૈ. ઇનકે સૌભાગ્ય કી ગુણગાથા દેવ નહીં ગા સકતે. નાત સુન તો સહી પ્રભુ ક્યા કહેતે હૈ. હા હજી તો યાદ રાખું આ શું કહે છે. મંગીલાલજી કિસકી બાત ચલતી હૈ, યહ કિસકી બાત ચલતી હૈ, યહ શાશ્વત 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 કી બાત ચલતી હૈ. એ કહે કે પેરાગ્રાફ પૂરા હુઆ. કિસકી બાત ચલતી હૈ, યહ શાશ્વત શાશ્વત. અબ દૂસરે પેરાગ્રાફ મેં કહેતે ચાર ભાવાંતરો કો ઓર ઉનકી ભાવના સે એ પારિણામિક ભાવના સે અતિ આસન ભવ્ય જીવ, અતિ આસન ભવ્ય જીવ ઇસ ભાવના સે, યહ ભાવના સે ચાર ભાવ કો પારિણામિક ભાવ સિવાય ચાર ભાવ કા પરિહાર કરને મેં અતિ આસન ભવ્ય અલ્પકાલ મેં જિનકી મુક્તિ હૈ એસા જીવ યહ આલંબન કા ભાવ સે ઉત્પન્ન હુઆ ભાવ સે ચાર ભાવ કો છોડને મેં સમર્થ હૈ. કોણ સમર્થ હૈ ઇસકા પૂરા વિશ્લેષણ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીને દે દિયા. ચાર ભાવાંતરો કો ઓર વહ ભાવના સે, કિસકી ભાવના સે, તો કે પારિણામિક કી ભાવના સે અતિ આસન ભવ્ય જીવ, અતિ આસન ભવ્ય જીવ ઇસ ભાવના સે, કોણ સી ભાવના સે, પારિણામિક કી ભાવના સે ચાર ભાવો કો પારિણામિક ભાવ સિવાય ચાર ભાવો કો પારિણામિક ભાવ બિના ચાર ભાવો કો પરિહાર કરને અતિ આસન ભવ્ય જીવ, અતિ આસન ભવ્ય મને ક્યા અલ્પકાલ મેં જિનકી મુક્તિ હૈ એસે જીવ એસે હમ ઓર આપ સબ ઇસ આલંબન કે ભાવ સે ઉત્પન્ન હુઆ ભાવ સે ચાર ભાવ કો છોડને મેં સમર્થ હૈ. ચાર ભાવ કો કોણ છોડને મેં સમર્થ હૈ, જિસને પંચમ ભાવ મેં પારિણામિક ભાવ કા લક્ષ્ય ક્યા, ઉસમે એકત્વ ક્યા, ઉસમે એકાગ્રતા કી, વો એ ચાર ભાવ કો અપને સે ભિન્ન જાનકર. હા ચાર ભાવ કા પરિહાર કરને અતિ આસન ભવ્ય અલ્પકાલ મેં જિસકી મુક્તિ હૈ. અબ સોચ લે કિસકી કબ મુક્તિ હૈ ઓર અલ્પકાલ મેં જિસકી મુક્તિ હો ક્યા સોચતા હૈ. એસા જીવ યા આલંબન કા ભાવ સે ઉત્પન્ન હુઆ, ત્રિકાલી પારિણામિક ભાવ કે આલંબન સે જો ભાવ ઉત્પન્ન હુઆ ઉસ ભાવ સે ચાર ભાવ કો છોડને મેં સમર્થ હૈ. ચાર ભાવ કા આશ્રય કરને લાયક હૈ નહીં. છોડને મેં સમર્થ હૈ, પરિહાર કરને મેં સમર્થ હૈ, ઉસકા મતલબ ક્યા કે વો આશ્રય કરને લાયક નહીં હૈ, વો આલંબન લેને લાયક નહીં હૈ, આધાર કરને લાયક નહીં હૈ, વો જાનને કા વિષય તો હૈ ઓર સહી મેં અનુભૂતિ મેં હી પર્યાય કા સચ્ચા જ્ઞાન હોતા હૈ, ઉસકે બિના પર્યાય કા જ્ઞાન હી નહીં હોતા. તો જો ચાર ભાવ જો હૈ પરિણમતે ભાવ હૈ, ઉસકો જિસને પંચમ ભાવ કા લક્ષ્ય ક્યા, ઉસકો આધાર બનાયા, ઉસકા આલંબન લિયા ઓર ઉસે જો ભાવ ઉત્પન્ન હુઆ વો ભાવ ચાર ભાવ કો છોડને મેં સમર્થ હૈ.
चार भाव का आश्रय करने लायक है नहीं। फिर आगे दूसरा पैराग्राफ, यहीं चार भावों का परिहार में नीचे नोट है, सायिक भाव रूप शुद्ध पर्याय का भी परिहार करने का कहा है। अब चार भाव सामूहिक बात ले ली ना, तो उसमें लगता है उदयिक भाव की बात है, उपशम की बात है। अब स्पेसिफिकली चार भावों के परिहार में सायिक भाव रूप शुद्ध पर्याय का भी परिहार यानी त्याग करने का कहा है। क्योंकि सायिक के अंदर में केवल ज्ञान समा जाता है, उसका भी परिहार करने का, सायिक भाव रूप शुद्ध पर्याय का भी परिहार त्याग करना, माने भी लिया ना, शुद्ध पर्याय नो पण, माने उदय का जैसे परित्याग, उपशम का जैसे परित्याग, सम का जैसे परित्याग, उसी तरह सायिक भाव का भी परित्याग करना कहा है। अब क्यों? भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु उनका आश्रय करना, यह एक बात ली है। किसका आश्रय करने, सायिक भाव का आश्रय छोड़ने की बात क्यों की? क्योंकि यहाँ पे एक भाव का आश्रय करने की बात की है। कौन से भाव की? भगवान आत्मा नित्यानंद जो प्रभु है उसके आश्रय की बात की है। उसमें एक सायिक दशा प्रकटे, सायिक समकत प्रकटे आदि दशा जो वह है उनका भी त्याग करने का कहा है। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने की बात की है, बात तो बस इसके आश्रय की है। अब उसके आश्रय से एक सायिक दशा प्रकटे, सायिक समकित प्रकटे आदि दशा जो है उनका भी त्याग करने का कहा है। शुभ भाव दयादान ये तो रागमंद, इनका तो त्याग करना है, लेकिन सायिक दशा का त्याग करने का भी इसमें कहा है। उदयी भाव का त्याग करने का तो कहा है, लेकिन इसमें संसार भाव और केवल ज्ञान पूर्ण भाव उसका भी इसमें त्याग करने का कहा। त्याग करने का माने आश्रय लेने योग्य नहीं है, दृष्टि में लेने योग्य नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है, पर्याय का विषय पर्याय नहीं हो सकता। पर्याय का विषय जब द्रव्य होता है और उसके अंदर में द्रव्य मात्र मैं हूँ ऐसा होता है, उसी को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। जिस द्रव्य दृष्टि के अंदर में मात्र द्रव्य होता है, दृष्टि भी नहीं बसती, दृष्टि रूप पर्याय भी जिसमें नहीं बसती, श्रद्धा रूप पर्याय भी जिसमें नहीं बसती, ऐसा श्रद्धेय तत्व, ऐसा द्रव्य, ऐसा नित्यानंद प्रभु आत्मा, ऐसा परम पारिणामिक भाव, ऐसी पूर्ण वस्तु सो मैं हूँ, बस इसका लक्ष्य, इसका आदर, इसका सत्कार, इसका सम्मान, इसमें एकत्व, इसमें एकाग्रता, इतनी सी बात है। इसका कारण इस प्रमाण से है, क्या कहते हैं, अब उनका कारण देते हैं। इनका कारण तेनु कारण आ प्रमाणे छे, इनका कारण इस प्रमाण से है, शुद्धात्म द्रव्य का ही, शुद्धात्म द्रव्य वस्तु भगवान पूर्ण यानी के अंशी का ही, वह अंशी कहो कि द्रव्य कहो, परम स्वभाव कहो या पहला जो परम पारिणामिक भाव कहो, ये परम स्वभाव ध्रुव भाव जो शुद्धात्म द्रव्य ही यानी कि अंशी का ही आलंबन लेने से भगवान शुद्ध अंशी त्रिकाल, सायिक भाव भी एक अंश है, सायिक भाव भी एक अंश है, केवल ज्ञान भी एक अंश है, अंशी नहीं है, त्रिकाल वस्तु नहीं है। समझाणू का है? लॉजिक से, न्याय से, सर्वांगी रूप से, कहीं पे किसी को कोई किंतु परंतु का प्रश्न न रहे, इस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है। क्या कहते हैं? इसका कारण सायिक दशा को त्याग करने का कहा ना, तब उसका कारण कहते हैं, क्यों उसको त्याग करने का कहा, कि शुद्धात्म द्रव्य का ही, फिर कहते शुद्धात्म द्रव्य वस्तु भगवान पूर्ण, शुद्धात्म द्रव्य वस्तु भगवान पूर्ण यानी कि अंशी का ही,
यह अंशी कहो, द्रव्य कहो, परम स्वभाव कहो, पहले जो परम पारिणामिक भाव कहा वो कहो, परम स्वभाव ध्रुव भाव जो सुधात्म द्रव्य ही, यानी कि अंशी का ही आलंबन लेने से, अंशी का ही आलंबन लेने से, अंशी का भी आलंबन लेने से, ऐसा नहीं लिखा, अंशी का ही आलंबन लेने से भगवान शुद्ध अंशी त्रिकाल। अब भगवान कैसा है? भगवान शुद्ध है, अंशी है, त्रिकाल है, साईक भाव भी एक अंश है। देखिए साईक भाव में पण लिखा और अंशी में ज लिखा, अंशी में ही और एक साईक भाव भी एक अंश है। जैसे उदय भाव एक अंश है, उपसम भाव एक अंश है, सयोपसम भाव एक अंश है, उस तरह से साईक भाव भी एक अंश है, साईक भाव भी एक अंश है। केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान पाण एक अंश है, अंशी नहीं। अनादि अनंत नहीं है, प्रत्येक पल उसका उत्पाद व्यय होता है। शादी अनंत है लेकिन वही की वही पर्याय नहीं रहती, वैसी की वैसी पर्याय रहती है लेकिन वही की वही पर्याय नहीं रहती। प्रतिपल पहले समय पहला केवल ज्ञान, दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा, चौथे समय चौथा, ये पलटता हुआ परिणाम है, बदलता हुआ परिणाम है। जबकि जो अंशी जो है वो ध्रुव स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, वो त्रिकाल वस्तु नहीं है। साईक भाव केवल ज्ञान त्रिकाल वस्तु नहीं है, समझाणू का है। केवल ज्ञान भी एक समय का अंश है, दूसरे समय नया प्रकटता, तीसरे समय नया प्रकटता। केवल ज्ञान वो पर्याय है, अवस्था है, साईक भाव की भले ही पर्याय है लेकिन अंश है। गुरुदेव श्री की कृपा का जगत कल्पना भी नहीं कर सकता। हाथ पकड़ पकड़ के मोक्ष मार्ग पे रख दे, पकड़ पकड़ के। इनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, करुणा का समुद्र था पूरा, निष्कारण करुणा का समुद्र। मीठा मेरा मन जिसके पास में भरा पड़ा था, सुधात्मा की बात करते हुए जो परम स्वभाव के अंदर में डुबकी लगा लेते थे, कैसे थे हमारे गुरुदेव? हम विचार तो करें, प्रभु आप सम्यक दर्शन को अंश कहते तो समझ में आता है, केवल ज्ञान भी अंश है। अरे प्रभु एक समय की पर्याय है कि नहीं है, पलटती है कि नहीं, उत्पाद व्यय है कि नहीं है, और उसके सामने तू सदा ही ध्रुव है कि नहीं है, एक रूप है कि नहीं है, अनादि अनंत है कि नहीं है। वो केवल ज्ञान की पर्याय तो एक एक समय की पर्याय सादी शांत, क्रमिक रूप से देखे तो सादी अनंत, लेकिन तू तो अनादि अनंत शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा तत्व। केवल ज्ञान भी प्रभु अंश है, उसका मोह मत करना नाथ। सम्यक दर्शन अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण चरित्र है, केवल ज्ञान, पूर्ण चरित्र है। प्रभु वो भी पलटते हुए परिणाम है, बदलते हुए परिणाम है, उत्पाद व्यय वाले परिणाम है नाथ, वो तू नहीं, तू तो अंशी है ना नाथ, प्रभु है ना तू नाथ, भगवान है ना तू नाथ। अंशी यानी त्रिकाल द्रव्य स्वभाव, केवल ज्ञान को अंश कह के फिर अंशी किसको कहे? ऊपर तो कह दिया अनेक बार लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पष्टीकरण कहते हैं, अंशी अटले त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, उसको यहाँ शुद्ध आत्मा परम पारिणामिक भाव अथवा अंशी कहने में आया है। प्रभु आत्मार्थी को, गुरुदेव के संतान को, हम तो गौरव लेते हैं हम गुरुदेव के संतान हैं, और सही में गुरुदेव के संतान हैं, सभी गुरुदेव के संतान हैं। तो ये गुरुदेव की जो निधि
गुरुदेव ने जो संपत्ति हमारे लिए रखे गए उसको खोल के देखे प्रभु, क्या कहा है गुरुदेव ने, कैसे कहा है। अपन पढ़ने के लिए पढ़ जाते हैं, सुनने के लिए सुन लेते हैं, लेकिन एक एक शब्द का जो भावार्थ जो पड़ा हुआ है, एक एक शब्दों का जो हृदय जो उसमें पड़ा हुआ है, उसको खोल के नहीं सुनते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं करते कि प्रभु आप क्या कहते हैं। देखिए अंशी नु ज आलंबन लेवा थी, अंशी का ही यानी परम पारिणामिक भाव का ही यानी द्रव्य का ही यानी शुद्धात्मा का ही यानी कि भगवान आत्मा का ही आलंबन लेने से साईक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकटती है। अंशी का ही सम्यक एकांत किया कि नहीं किया? प्रभु सम्यक एकांत में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होगा। मैं परमात्म तत्व हूं यह सम्यक एकांत है। देखिए अंशी का ही आलंबन लेने से साईक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकटती है। समझ में आया कुछ भी? कोई कहे ना भाई साईक समकित तो भगवान के समीप प्रकटता है, ऐसा आता है घुमट सर का आधार देते हैं गुरुदेव श्री, ये साईक समकित तो भगवान के समीप में ही प्रकट होता है। घुमट सर आदि में श्रुत केवली और केवली के समीप साईक समकित प्रकटते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये बात तो निमित्त के कथन है। भगवान आत्मा के अवलंबन से जो पर्याय प्रकटे वह आधार आत्मा का लेकर साईक भाव प्रकटता है, निमित्त के आधार से नहीं प्रभु। निमित्त का ज्ञान कराने के लिए जिनवाणी में बहुत सारी बात की गई है, लेकिन ऐसा समझना कि निमित्त अकिंचित कर है, उसकी उपस्थिति होती है। कार्य तो उपादान में उपादान से ही होता है, क्षणिक उपादान में क्षणिक उपादान से ही कार्य होता है। त्रिकाल उपादान से जहाँ कार्य नहीं होता वहाँ पर से कार्य हो जाए ऐसा तो कैसा बन सकता है। लेकिन वो क्षणिक उपादान भी यह कहता है कि मैं त्रिकाल परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, उसके आलंबन से उसके आश्रय से ही साईक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकटती है। ये आधार आत्मा का लेकर साईक भाव प्रकटते हैं, निमित्त को लेकर नहीं, और साईक भाव जो समकित हुआ उनके आश्रय से नई चारित्रक की शुद्ध पर्याय भी उसके आश्रय से नहीं होती। साईक समकित हुआ और उस समकित के आश्रय से नई चारित्रक की शुद्ध पर्याय भी प्रकट नहीं होती। आश्रय तीनों काल में हर वक्त हर समय एक परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु का, ये विधि का विधान है, ये विधान की विधि है। मोक्ष मार्ग रूपी या मोक्ष रूपी जो विधान जो है उसकी विधि अनादि अनंत काल में तीन काल तीन लोक में एक विधि है, परम पारिणामिक भाव का आलंबन वो एकमात्र समकित प्रकट होने का विधान है, उसकी विधि है। अन्यथा कोई विधि से समकित नहीं हो सकता, क्योंकि चारों भाव जो है तो परिहार रूप है, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। छूटता कब है? परम पारिणामिक भाव मैं हूँ ऐसा मानता है तो चार भाव को भिन्न जानता, तब जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम समकित है, माने ध्रुव भाव के लक्ष्य से समकित होता है। मैं ध्रुव हूँ इस भाव में समकित होता है। सम्यक दर्शन चाहिए, उस भाव से मिथ्या दर्शन चलता है। यह अनादि की स्थिति रही जीव की, इसमें कोई नयापन नहीं है। सोगानी जी को बार बार ये पूछा गया कि द्रव्यलिंगी जो अज्ञार अंग नौ पूर्व का पाठी अनंत बार नवमी ग्रवेक तक गया उसकी कौन सी भूल रह गई? द्रव्य के ऊपर वजन नहीं आया, परम पारिणामिक भाव मैं हूं ऐसा विश्वास नहीं आया, सब कुछ हुआ बाकी जैसा भगवान ने कहा ऐसा बोला, ऐसा धारणा में ऐसा सेव सब में बैठा, लेकिन यह मैं हूं ऐसा वजन पूर्वक जोर पूर्वक प्रगाढ़ता पूर्वक बल पूर्वक
उसमें पलाठी लगाकर बैठ नहीं गया। मार्ग तो अत्यंत 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 अति स्पष्ट है। अब जिसकी योग्यता होगी उसको समझ में आ जाएगी। और गुरुदेव के सानिध्य में सभी आसन भव्य जीव है, तो उसको समझ में आनी ही चाहिए। मेरे को नहीं समझ में आती ऐसा मत कहना प्रभु, ये तेरी अपनी बात है, तेरे अपने स्वभाव की बात है। गुरुदेव अपने स्वभाव की महिमा गा रहे हैं बार 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 बार, एक की एक बात, एक की एक बात घुटाकर उसको पक्की करवा रहे हैं। और यदि तू कहेगा कि मेरे को समझ में नहीं आती तो किसको आएगी। ज्ञानी तो कहते हैं कि इस बात को, गुरुदेव की बात को सुनकर मने न समझाए ऐसा मत कहना, मेरे को नहीं समझ में आएगा ऐसा मत कहना, और समझे बिना हाँ भी मत करना, ना भी मत करना, और समझे बिना हाँ भी मत करना, लेकिन सुनकर उसके ऊपर विचार करना। अपने अभिप्राय को एक तरफ रखकर गुरुदेव श्री जहाँ से कह रहे हैं पांच भावों के अंदर में एक भाव तू है और चार भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा आचार्य भगवान के वचन को गुरुदेव श्री ने जिस तरह से हृदय खोला है, अपन वहाँ से उसको समझने की कोशिश करें। और वो समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ये समझ में आने वाली बात है ना, दो स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। अब एक का क्षणिक स्वभाव है, एक का त्रिकाल स्वभाव है, एक अपरिणामी है, एक परिणमता है, एक ध्रुव है, एक पलटता है, एक ध्रुव है, एक उत्पाद व्यय है, एक त्रिकाल सत है, एक क्षणिक सत है। तो स्वभावे भिन्नता है, भावे भिन्नता है। अब जब भावे भिन्नता है तो भिन्न ही होना चाहिए, यदि भावे भिन्नता नहीं होती तो एक हो जाए। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दोनों यदि सत्य कहता हो तो दो नहीं क्यों होता, एक ही नहीं होना चाहिए फिर। अब जो संयोग की अपेक्षा से बात करे उसके बात तो अपन सुन ले, मान ले, और जो स्वभाव से बात करे वो निश्चय है, निश्चय है, निश्चय करके निकाल दे। प्रभु शू थे तने, ये गुरुदेव मिले, ऐसे पुरुष मिले, ऐसे सर्वांगी पुरुष मिले अपने को, जिन्होंने सुधात्मा का जयघोष चरम सीमा पे किया, जगत की परवाह किए बिना, दुनिया क्या कहेगा उसकी परवाह किए बिना, भगवान आत्मा की बात का जयघोष पूरे भारत के अंदर में नहीं, पूरे भरत क्षेत्र में गुंजा दी। ऐसा वीर पुरुष, ऐसे वक्ता पुरुष, ऐसे इस युग के दूसरे महावीर अपने को प्रत्यक्ष मिले, साक्षात मिले, सानिध्य मिला, वाणी मिली, उससे बड़ा सौभाग्य इस युग के अंदर में कुछ हो नहीं सकता। चक्रवर्ती का निधान गुरुदेव श्री के एक समय की वाणी के आगे धूल समान है, मिट्टी है बिल्कुल। प्रभु तू कितना सौभाग्यशाली, इस युग के अंदर में आकर भगवान आत्मा की बात इस चरम सीमा पे सुनने को मिले। प्रभु तू पूरा है ना, ना तू भगवान है ना, तू पूर्ण शुद्ध है ना, तू त्रिकाली है ना, तू ध्रुव है ना, ये बात कौन कहे प्रभु। हूँ भगवान छु, तू भगवान छो, वो कहनारा भगवान अपन ने मिला। मने तारा तो सौभाग्य खुली गया छे, सौभाग्य खुली गया एटले मोक्ष ना दरवाजा खुली गया छे। प्रभु तू शू कहिए तने नाथ। आ गुरुदेव नी बात, ये गुरुदेव की बात माने तीर्थंकर परमात्मा की बात है, आचार्य भगवंतों की बात है, पंच परमेष्ठी की बात है। ये पूज्य गुरुदेव श्री वो पंच परमेष्ठी के कुल के हैं, उनके जाति के हैं, उनके नात के हैं, और हम सब उस नात में और कुल में मिलना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं। तो ये जो गुरुदेव श्री की बात जहाँ से की गई, जैसे की गई, जिस तरह से की गई, परमेश्वर तत्व मैं हूँ तो परमेश्वर तत्व मैं हूँ, चार भाव मैं नहीं हूं तो नहीं हूं, जो भिन्न है उसको भिन्न जानकर, और जो मैं हूं उसका आदर सत्कार करके, सम्मान करके, एकत्व करके, अहम करके, बस मैं परमात्मा मात्र वस्तु हूं, ये बात सबके अंतरंग में, सबके हृदय में पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से बताई है उस तरह से जम जाए, उसी स्वभाव में सबको रम जाए,
इसी मंगल भावना के साथ।